Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start a new chapter of history which basically deals with the when people rebel in 1857 and after what happened. Okay, so basically अब तक हमने देखा कि 1857 का revolt कैसे हुआ था, right? हमने समझा क्या scenario था, क्या situation थी जिसकी वजह से revolt हुआ. आज हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर हाउ डिड पीपल रिबेल, लोगों ने कैसे आवाज उठाई, कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, एंड आफ्टर दैट कि 1857 के बाद क्या सिनेरियो रहेगा, राइट? सो एज वी ऑल आर अवेयर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग हियर इन आर नेशन, राइट? दे वर मेकिंग लॉज, और उन लॉ का क्या इम्पैक्ट था ऑन द पीपल ऑफ इंडिया विच लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857. अभी तक के चैप्टर्स में हमने सिर्फ इतना पढ़ा है. इन दिस चैप्टर विल बी स्टडिंग अबाउट द पॉलिसीज एंड द पीपल. किन की पॉलिसी? द पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या रहेगा. हाउ विल द पीपल रिएक्ट टू द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, How did the Nawab lose their power? जो Nawabs हैं, जो हर region में जो rule कर रहे थे, जो Nawab थे, उनकी power कैसे कम हो जाएगी, East India Company कैसे और powerful हो जाएगी, and also the reaction of the peasants and the sepoys, जो reforms आएंगे उनके towards क्या response रहेगा, and we'll also see through the eyes of the people. Which people? The Indian people. इंडिया के लोगों ने उस चीज़ को कैसे लिया और कैसे रिएक्ट करेंगे उन रिफॉर्म्स के टूवर्ड्स. ऑल्सो हम एक म्यूटनी देखेंगे, एक पॉपुलर रेबिलियन होगा फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, एंड ऑल्सो ये रेबिलियन कैसे स्प्रेड होगा ऑल ओवर इंडिया, एंड हाउ विल द कंपनी फाइट बैक, और कैसे आगे कंपनी सारी चीज़ों पर अपना होल्ड जमाएंगी. सो दिस चैप्टर डील्स विद द हाउ डिड पीपल रिबेल इन 1857 एंड वट हैव happened after 1857. So basically the first title we have is the Nawab lose their power. Jo Nawab hai aur jo raja the us samay, we are talking about the time period of 18th century. 18th century ke time mein jitne bhi Nawabs the, jitne bhi rajas the, humne dekha that their power had started eroding. Eroding matlab power ab unki khatam hoti ja rahi thi. Why? Kyunki gradually उनकी जितनी भी पावर थी विद टाइम उनकी पावर कम हो रही थी, अथॉरिटी कम हो रही थी, उनका ऑनर जो है वो कम हो रहा था. क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी. ब्रिटिशर्स यहाँ एज ट्रेडर्स आए थे, लेकिन बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी दे वर हैविंग द कैपेसिटी टू रूल द इंडियन टेरिटरी. ओके, हम देखेंगे कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं हर जगह अपनी चीज़ें सेटअप करेंगे. रेजिडेंट हैड बीन स्टेशन इन मेनी कोर्ट, फ्रीडम ऑफ रूलर्स वर रिड्यूस्ड एंड द आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड. उनका जो पावर थी, उनकी जो फ्रीडम थी रूलर्स के पास, वो कम हो गई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनीज ऐसे लॉज और ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही थी जिससे कि इंडियन रूलर्स की जो पावर है, जो फ्रीडम है, वो कम हो रही थी. और जब मैं बात करती हूँ आर्म्ड फोर्सेस, जो मिलिट्री है उस रीजन की, जो राजा के अंडर जो डिफेंस फोर्स थी, वो भी ख़त्म होती जा रही थी. इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक सब्सिडियरी अलायंस किया था जिसके चलते, आई होप यू रिमेंबर कि सब्सिडियरी अलायंस क्या था, जिसके चलते जो डिफेंस फोर्सेस है वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ रही थी. ऑल्सो हमने देखा था कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू सिस्टम मतलब जहाँ से किंग को, जो रूलर को इनकम होती, जहाँ से पैसा आता था, रेवेन्यू एज वेल एज द टेरिटरीज वर टेकन अवे फ्रॉम द इंडियन रूलर्स और द नवाब्स और द राजास. ओके, एंड ऑल्सो मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट. कुछ लोग, कुछ रीजन के राजा नवाब ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि बातचीत करके नेगोशिएट किया जाए कंपनी के साथ, ताकि उनका रूल एस्टेब्लिश करा जा सके, राजा रूल करता रहे, भी कुछ टर्म्स पे हम बातचीत करके मैटर को सेटल डाउन कर लें. लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या कंपनी नवाब्स की बात मानेगी? आंसर इज नो. फाइनली हमने देखा जो सब्सिडियरी अलायंस आया था उसके चलते काफ़ी सारी जो इंडियन टेरिटरीज थी वो
किसके रूल के अंदर आ गई? इट केम अंडर द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिशर्स. ओके, हियर इन दिस स्लाइड आई हैव एडेड द पिक्चर ऑफ द सब्सिडरी अलायंस. किसने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज लॉर्ड विलेस्ले. ओके, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम. और अवध, एक जो इंडियन टेरिटरी थी विच वॉज अंडर द रूल ऑफ द राजा और द नवाब एट दैट टाइम, सब्सिडरी अलायंस के चलते अवध भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया था. इन आवर प्रीवियस चैप्टर व्हेन वी वर डूइंग अबाउट द सब्सिडरी अलायंस, हमने देखा था काफ़ी सारे किंगडम्स हैं जो कि इस अलायंस के चलते ही, जो उनके रूलर थे उनको तो गिव अप करना पड़ा था और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर आ गए थे. आई होप यू रिमेंबर, एंड इफ यू डू यू नीड टू कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल द रीजन विच केम अंडर द ब्रिटिश रूल ड्यू टू द सब्सिडरी अलायंस. ओके, अब बात आती है सब्सिडरी अलायंस की. ब्रिटिशर्स ने क्या बोल के ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था? दे सेड दैट दे आर नोटिसिंग मिस गवर्नेंस इन द टेरिटरी. उन्होंने बोला जो राज्यों में जो राजा है, जो नवाब है, अपनी टेरिटरी में अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे. देयरफॉर इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम दैट ब्रिटिश रूल शुड कम इन, कि ब्रिटिशर्स आए और रूल करें क्योंकि मिस गवर्नेंस है. कंपनी का प्लान, अगर मैं एक्चुअल टर्म्स में बात करूं तो कंपनी का एक्चुअल प्लान क्या था? टू एंड द मुगल डायनेस्टी, कि मुगल डायनेस्टी जो चलते आ रहे हैं, मुगलों का जो राज चलता आ रहा है, मुगल रूलर्स हैं जो रूल करते आ रहे थे, उस रूल को एंड करना. और इसके चलते सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लिया गया? द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन मिंटेड बाय द कंपनी. जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, जो कॉइन मिंट किए जाए, जो सिक्के बनाए जाते थे, उसके ऊपर राजा, द रूलर हु वर रूलिंग द टेरिटरी, उसका नेम होता था, उसकी इमेज होती थी. तो फर्स्ट स्टेप जब उन्होंने मिस गवर्नेंस बोल के सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया, अलोंग विद दैट उन्होंने और क्या किया, जो कॉइन्स से उस टाइम के सिक्के थे, उन कॉइन्स के ऊपर से उन्होंने मुगल किंग का नेम रिमूव कर दिया. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस incident started marking that Nawabs were losing their power, they were losing their freedom to rule their territory. And isse hame kya pata chalta hai? We get to know that Britishers were becoming more powerful here in India. I hope till now the story is clear. Okay, further kya hua? It was announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king shifted out of the Red Fort and was given another place in Delhi to reside in. तो another incident क्या है जिससे हमें पता चलता है कि नवाब जो राजा थे उनकी पावर कम होती जा रही थी. एक तो है कि कॉइन से उनका नाम हटा दिया, जिस राज्य में जो करेंसी है करेंसी के ऊपर से रूलर का नेम ही हटा दिया. वेरी फर्स्ट इंसिडेंट. सेकेंड, पहले जो किंग है, जो राजा है, उसकी फैमिली कहाँ रिसाइड करती थी? रेड फोर्ट में. अब उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से बाहर की कोई दूसरी जगह दे दी गई, दैट यू नीड नॉट टू रिसाइड हियर इन द रेड फोर्ट, अपार्ट फ्रॉम रेड फोर्ट आप कहीं और जाके रिसाइड करो, कहीं और रहोगे. ओके, देयर वॉज अनदर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हु सेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड हिज डिसेंडेंट वुड बी कॉल्ड जस्ट एज प्रिंस. बोले कि जो किंग है, जो किंग टाइटल है, लास्ट मुगल किंग कौन है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैनिंग? उन्होंने बोला बहादुर शाह जफर ये लास्ट मुगल राजा है जिसको किंग का टाइटल दिया जाएगा. इसके बाद जितनी भी जनरेशन आएंगी, जो भी किंग बनेगा उसको किंग का टाइटल नहीं दिया जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? प्रिंस. ओके, सो आपको भी पता चल रहा होगा कि हाउ ग्रेजुअली द पावर, द अथॉरिटी, द फ्रीडम वर अरोडिंग, कैसे खत्म हो रही थी टाइम के साथ, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बिकमिंग मोर पावरफुल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज. जब मैं बात करती हूँ कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब रूलर इंडिया की, तो हमने वहां देखा हु आर द रेसिडेंट्स देयर, पीजेंट्स एंड द जमींदार. तो इन्होंने भी रिसेंटमेंट दिखाया, दे शोड देयर रिसेंटमेंट टुवर्ड्स व्हाट? उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की किसके टुवर्ड्स? Towards the high taxes, the rigid method of collection of tax, the lost land to the British, they were unhappy about their pay, their allowances and the condition of the services. Now, sirf peasants, the farmers were unhappy with the Britishers,
द जमींदार्स द बिग लैंडलॉर्ड्स वर ऑल्सो अनहैप्पी. क्यों ना खुश थे कंट्री साइड रूरल इंडिया में क्यों लोग नाराज थे? बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेस, बिकॉज ऑफ द मेथड द वे दे वर कलेक्टिंग द टैक्स आउट ऑफ देम. उनकी जमीन उनसे छीन ली गई थी. दे वर टोटली अनहैप्पी. ओके देन वाई दे वर अनहैप्पी? बिकॉज न्यू रूल्स वर मेड एंड सम ऑफ द रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ. जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स नए नए रूल बना रहे थे वो उनमें से कुछ रूल ऐसे थे जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को भी हर्ट कर रहे थे. रिलीजियस बिलीफ जिनको वो इतने सालों से उस धर्म को मानते आ रहे थे उस धर्म के खिलाफ थे. अग्रीमेंट टू सर्व कंपनी इन ओवरसीज एक्सपेंडिशन इफ रिक्वायर्ड एंड दिस स्टोरी. ये बोल रहा है कि कंपनी ने ये भी रूल बनाया था अगर कंपनी को ब्रिटिशर्स को जरूरत पड़ती है तो क्या पता इंडियन पीपल हु वर वॉकिंग एज सिपॉयज इन द डिफेंस इन द आर्मी ओके उनको जरूरत आने पे फॉरेन लैंड पे भी भेजा जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटिशर्स की ब्रिटेन की किसी और देश के साथ लड़ाई है एंड दे आर इन नीड ऑफ द सोल्जर्स और द आर्मी तो वो इंडियन सिपॉयज को फॉरेन लैंड पे भी भेज सकते हैं. Also, the sepoys were unhappy with what is happening in the countryside. एक तो वो खुद परेशान थे कि उनको foreign land पे भेज दिया जाएगा if required. Also, वो इस बात से भी नाखुश थे जो peasants और जो farmers के साथ हो रहा था. Okay, now let's see the response to the reform. कि क्या reform को क्या response मिला? जब when the British officials introduced the reforms, they believed that इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड. ब्रिटिशर्स ने क्या बोल के रिफॉर्म्स लेके आए, क्या न्यू रूल्स लेके आए, क्या न्यू लॉज लेके आए? उन्होंने बोला दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम. अभी इंडियन सोसाइटी को चेंज होने की जरूरत है इसलिए उन्होंने बोला कि हम न्यू लॉज पास करेंगे. एंड लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती. सती सिस्टम क्या था? जब कोई विडो हो जाती थी उसके अगर किसी फीमेल के हस्बैंड मर गया है तो उस फीमेल को भी फिनरल साथ साथ ही कर देते. दिस वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सती. एंड उन्होंने बोला कि हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं सो दीज वर द रिफॉर्म्स विच एक्टेड पॉजिटिवली टूवर्ड्स द इंडियन सोसाइटी. प्रैक्टिस ऑफ सती बैन की गई. उन्होंने विडो रीमैरिज को इनकरेज किया कि विधवा हो जाते हैं तो दोबारा वैवाहिक जीवन स्टार्ट किया जा सकता है. ऑल्सो उन्होंने एक और चीज क्या की, इंग्लिश लैंग्वेज in education was promoted and in 1850 a new law was passed to make conversion of Christianity easier. उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी की जैसे कि सती सिस्टम को बैन किया, विडो रीमैरिज इंट्रोड्यूस की, इंग्लिश लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया. ओके लेकिन 1815 में उन्होंने एक न्यू लॉ बनाया कि आप अपना रिलीजन भी चेंज कर सकते हो. इतना इजी लॉ बनाया कि अगर आपको हिंदू से अगर आपको क्रिश्चियन बनना है इट वाज वेरी इजी. ओके सो अब इन सब के चलते व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये थी बिकॉज इंडियंस आर वेरी अटैच्ड टू देयर रिलीजन. अगर धर्म की बात आएगी, कन्वर्जन की बात आएगी तो हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. सो यहाँ भी सेम हुआ. मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम एंड द ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग. इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दी है, नाउ दे आर आस्किंग टू कन्वर्ट देयर रिलीजन इनटू क्रिश्चियनिटी. ओके तो अब इन चीज़ों से यहाँ के इंडियन जो पॉपुलेशन थी उनको प्रॉब्लम होने लगी. दे वर फीलिंग कि ब्रिटिशर्स उनकी जो सोशल ट्रेडिशन है जो आज तक सभ्यता सिविलाइजेशन चलती आई है उसको चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर वे ऑफ लाइफ एंड इंडियंस वर नॉट कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट. अभी तक हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या थी. नाउ लेट्स सी द सिनेरियो थ्रू द आईज ऑफ द पीपल. हमें पता है रिवॉल्ट हो रहे थे, पीपल पार्टिसिपेट कर रहे थे. रिवॉल्ट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इट ऑटोमेटिकली शो अस द माइंडसेट ऑफ द पीपल, राइट? हर रीजन में रिवॉल्ट होने की वजह से हर रीजन में एक्साइटमेंट आ रही थी लोगों में. एवरी रेजिमेंट वॉज नाउ रेडी टू पार्टिसिपेट टू रेज देयर वॉइस. ओके सो एक एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल इन द मेमोरीज ऑफ सुबेदार सीताराम पांडे, ही वॉज अ सिपॉय हु टर्न इन टू अ सुबेदार. ओके एंड नैरोगेट द ऑफ द टू इंग्लिश. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जाम्पल हियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देर इज अ बुक कॉल्ड माझा प्रवास.
इट इज रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे. देयर इज अ बॉक्स गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स. यू नीड टू गो थ्रू द बॉक्स. इफ नॉट यू कैन जस्ट टेक आउट दी स्क्रीनशॉट हियर. मैंने इसका आपको क्रिस्प दे दिया है कि पूरे पैराग्राफ में क्या है. इन दिस बुक विष्णु भट्ट गोडसे हैज रिटन अबाउट देयर जर्नी टू अटेंड अ यज्ञ being organized in Mathura and their observation. Maja Pravas एक बुक लिखी गई है जिसके अंदर इसके राइटर ने बताया है कि कैसे कोई भी योजना बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हुई थी मथुरा में और उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है. राइट तो आपको पता चल रहा है ना, पीपल डिड नॉट वॉन्ट द थिंग्स हैपन इन द सेम वे. उनको ब्रिटिश रूल से प्रॉब्लम होने लगी थी. राइट अब उनको रिवॉल्ट कर रहे थे 1857 में. उनको लॉज जो है काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिंग लग रहे थे. उनको लग रहा था उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका वे ऑफ लाइफ चेंज किया जा रहा है. तो दिस इज द बुक जिसके अंदर राइटर ने पूरी जर्नी के बारे में लिखा है. आई होप द लेक्चर इज क्लियर टिल नाउ. सो गाइज बिफोर आई एंड दिस वीडियो यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अलॉन्ग विद योर नेम. दिस सेक्शन इज नोन एज टोन योर ब्रेन. Number one question of the day is, name the Governor General to declare Bahadur Shah Zafar as the last ruler. Second question is, what was the response to the reforms? Logon ne kaise response kiya? Were they happy? Were they not happy? Right? You need to answer that. And who has written the book Manja Pravas? So that's it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you like this video, then do not hesitate to press in the thumbs up icon. And also, guys, if you are new to my channel, make sure that you like, share and subscribe and help us grow each day.